हमारे गरीब, पिछड़े, दलित भाई बहनों का बहुत बड़ा सपना था कि उनके पास भी पक्का घर हो। भाजपा सरकार ने अपने 5 साल में सिर्फ उत्तर प्रदेश में, मेरे साथ भाइयों बहनों आंकड़ा याद रखना जरा, 5 साल में उत्तर प्रदेश में 34 लाख पक्के घर बनाकर हमने गरीबों को दिए हैं और आज गरीब पक्के घर में रहने लगा है। भाइयों, और जिनको अभी घर मिला नहीं है उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूं, ये काम अभी भी तेजी से चल रहा है, आने वाले दिनों में आपका नंबर भी लगने वाला है। ये मोदी है, करके रहेगा, दे के रहेगा। और मेरे लिए खुशी की बात है, अब मेरे मंत्रिपरिषद में पंकज चौधरी जैसा वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है एमओएस। इस बार के बजट की पूरी हिंदुस्तान में तारीफ हो रही है। ये बजट किसने दिया है? ये पंकज चौधरी जी ने दिया है जी, और उन्होंने भी आपके दुख दर्द को जानते हैं। इस बजट में भी गरीबों को लाखों घर देने के लिए कोटी कोटि रुपयों का प्रावधान कर दिया है। मैं पंकज जी को अभिनंदन देता हूं। भाइयों बहनों, गरीब माताओं बहनों बेटियों को खुले में शौच के अपमान से, पीड़ा से मुक्ति चाहिए थी। कैसे दिन थे, आजादी के 7-7 दशक के बाद मेरी गरीब मां अंधेरे का इंतजार करती थी, शौच जाना है तो सुबह सूरज उगने से पहले भागती थी, कितनी ही ठंड हो जाना पड़ता था कहीं जंगल में, और शाम को सूरज ढलने से बाद जा पाती थी, पीड़ा सहन करती थी, शौचालय की सुविधा नहीं मिलती थी। ये मेरी मां का दर्द, मेरे इन गरीब परिवारों का दर्द, गरीबी से आया हुआ उसका बेटा ही जान सकता है। भाजपा सरकार ने यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा इज्जत घरों का, शौचालयों का निर्माण करके उनके जीवन की बहुत बड़ी परेशानी दूर की। और मैं उत्तर प्रदेश की बहनों का एक विशेष कारण से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि शौचालय को इज्जत घर जो नाम मिला है ना, वो मेरी उत्तर प्रदेश की बेटियों ने दिया है। मैं पहली बार जब उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहा था, शौचालय बनाने के बाद मैं एक गांव भी चला गया, तो मैं शौचालय बनाने का वहां काम करने में उनके साथ जुड़ा था, तो बेटियों ने इसे इज्जत घर शब्द दिया था, और मैं समझ गया था कि मेरी बहन बेटियों के लिए ये शौचालय कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये दिल्ली में आज तक शासन करने वालों को गरीब की जिंदगी में शौचालय क्या होता है, इनकी समझ के बाहर है। भाइयों बहनों, मुझे इसकी समझ है। भाइयों बहनों, रसोई घर के धुएं को, उसी में जिंदगी जीना हमारी माताओं बहनों ने उसे ही अपना भाग्य समझ लिया था। दिन भर चूल्हे के आग से निकलते हुए धुएं, उसमें खाना पकाना,
धुएं के कारण बच्चों की आंखें जल रही हैं, रो रहे हैं। मां के शरीर में हर दिन 400 सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में जा रहा है, कितना दर्द झेलती होगी। हमने ऐसी करोड़ों बहनों को इस दर्द से मुक्ति के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन दिया। भाइयों बहनों, हमारे देश में आज से 7 साल पहले गैस का कनेक्शन ये स्टेटस सिंबल हुआ करता था। एमपी एमएलए मंत्री उनकी सिफारिश से गैस कनेक्शन मिलता था, सिर्फ प्रधानमंत्री बदल गया, सोच बदल गई और सामने से जाकर के गैस का कनेक्शन देना शुरू कर दिया। भाई जिन करोड़ों बहनों बेटियों का अधिकतर समय पीने के पानी के इंतजाम में बीत जाता है, मैं तो एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां 10 साल में 7 साल सूखा रहता था, पानी की किल्लत रहती थी, मैं उस दर्द को जानता हूं। और इसलिए मैं देखता था मेरी माताएं बहनें बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, क्यों? 3-3 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता था। भाइयों बहनों, आज हमने नल से जल ये बड़ा अभियान चलाया है और पानी की सुविधा घर में पहुंचे, सरकार इसकी चिंता कर रही है। हर घर जल अभियान, इस पर यूपी में तेजी से काम किया जा रहा है।